Pawan Kumar is popularly known as Geeta Phogat's better half. The Haryana wrestler is ready to move out of Phogat's shadow when he will compete in the 86 kg category in the Asian Games. Kumar speaks to NNIS on his Asian Games preparation, expectations and his challenges for future. देखिए अभी मैं एशियन गेम्स के लिए यूएसए ट्रेनिंग करके आया था पिछले महीने और अभी उसके बाद मैं यहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जगमेंद्र कोच साहब के अंडर में और अपने सुरजीत मान हैं राजित उमर हैं तो इनके अंडर में और कभी अपने अखाड़ा है हमारा नांगल ठाकरान में है बड़े भाई हैं दो राजेश राकेश वो भी बहुत कुछ बताते हैं जाता हूँ तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने मेरी पहलवानी स्टार्ट करवाई है तो वही कराते हैं और अभी 11 तारीख को हमारी तुर्की टीम जा रही है स्पेशल एशियन गेम्स के लिए कैंप है वहाँ एक कॉम्पिटिशन भी है और ट्रेनिंग कैंप भी है अच्छे हम ये पहले ये देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी कहाँ से अच्छे आते हैं जैसे ईरान से आते हैं कजाकिस्तान से किर्गिस्तान से तो हम उनकी वीडियो देखते हैं कि क्या टेक्निक करते हैं क्या मूवमेंट करते हैं तो उनके हिसाब से करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस की इस रेसलर की ये टेक्निक है तो हमें इस रेसलर के लिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए तो ऐसे करते हैं एशियन गेम्स में देखिए सभी रेसलर हैं जो इंडिया के बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी बजरंग का भी गोल्ड आया बाहर भी गया था तो जॉर्जिया में तो सभी रेसलर अपना बेस्ट देंगे वहाँ सभी मैं तो ये कह रहा हूँ अभी जो 6 के 6 रेसलर है फ्री स्टाइल में वो मेडल के दावेदार हैं और वुमेंस की भी टीम बहुत अच्छी बनी हुई है 12 जा रहे हैं एशियन गेम्स में रेसलिंग से तो मेडल की कम से कम 7-8 मेडल की उम्मीद है देखिए अभी आगे नेक्स्ट में एशियन गेम्स के बाद ओलंपिक है 2020 में टोक्यो में तो उसको फोकस लेके चला हूँ कि मेरे को ओलंपिक में वहाँ खेलना है और मेडल की तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कहीं बाहर ट्रेनिंग करने जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो मेरा मेन टारगेट वही है देखिए मैं आपको बताऊँ कि एशियन गेम्स का ओलंपिक के बाद दूसरा ये टूर्नामेंट है जो सबसे बेस्ट है इसमें अगर कोई मेडल देता तो ओलंपिक के मेडल का दावेदार होता है